तो इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट काम क्यों कराते हो यार? ये जो आपने जो अभी जो हाल में गाना गाया था, ये आप ही ने गाया है? जी जी। तो एक बार अगर आप गा चुकी हो गाना, तो दूसरी बार गाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? तो फिर शुरू हो जाओ। राम हाँ, कौन सा गाना गाएंगे आप? बोलिए। एक एक लाइन गाना है आप। एक एक बफी का गाना और एक फिर एक बफी का सिर्फ। नहीं, वो इंग्लिश वाला वो कमाल गाई है आप। तो अभी नो मेकअप योर माइंड ना। तो दोनों मेकअप कर दिया माइंड। दोनों गाओ। एक एक लाइन। हाँ, एक एक लाइन। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। अब जब इतना अच्छा गाया है तो दूसरा भी गा दो, है ना? I know you got your own town, I know you got your own ways, I know you got your own life, I'm just saying, come on down to my place. I told you, na? Did I tell you? Who sang the song? Priyanka. Vidya jealous, na? Hai na? Kitna achha kisi ka gayi hai? Huh? Hai na? Nahi nahi, hum log dost hain. It's cool. I think. You are friends. We are na. Now, how do you prove that? We are na. Correct है. तो आप और मैडम भी दोस्त होंगी? हाँ जी. आप और मैडम भी दोस्त होंगी? Actually हम हैं. हैं? जी. फिर से हंस लीजिए एक बार, अच्छा लगता है. अनुष्का जी, आप दोस्त हैं? अब अनुष्का शर्मा रही है. नो सीरियसली, अमेजिंग वॉइस. और दुआ करता हूं कि आप अपने सिंगिंग करियर के अंदर एक्टिंग करियर से बहुत आगे निकल जाएं. या ये दुआ थी या बद्दुआ थी? मिक्स्ड. दोनों ही लेवल पर दोनों आप ही, दोनों के लिए दुआ कर दीजिए. दोनों अच्छा, दोनों बहुत अच्छा हो जाए आपके लिए. बस तो फिर आपने बहुत अच्छा किया. थैंक यू वेरी मच. और जाके बैठिए, तीन रिएक्शन दीजिए और फिर आप फ्री हैं. जहां जाना है आप जाइए. थैंक यू. अगला अवार्ड है फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल. और मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं कॉल ऑन स्टेज विद्या बालन. मैंने जब इन्हें पहली बार देखा था, आपको याद है वो लम्हा जब मैंने आपको पहली बार देखा था? क्योंकि मुझे याद नहीं है. आई थिंक कहीं एम्स्टरडम के अंदर मुलाकात हुई थी, आप और आपके फादर थे. जी, आपने उनके लिए गाना गाया था. कौन सा? वही ओ बालन हारे निर्वर तेरे बिना मेरा कौन नहीं. I swear, the father was shocked. ये क्या हो गया भाई? But he was very sporting and he started singing with me and then we got along fine. And then ये शादी कर लिया आपने, बुलाया तक नहीं, शर्म आनी चाहिए. मैंने बड़े बड़े लड्डू भेजे थे. बड़े बड़े लड्डू? अच्छा, मुझे बात बताइए. पूछिए. के शादी के बाद कैसा लग रहा है आपको? इनकी लाइफ में तो एंटरटेनमेंट 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 ही होगा अभी. शादी के बाद तो लगता है कि
मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है, उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो सुबह बहुत जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को जब लौटते हैं, कवर अप करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि आप के मायने क्या थे। हम साथ में खाना खाते हैं भाई। That's it? तो फिर शादी क्यों की आपने? I don't understand this. Does anybody हाथ ऊपर उठाइए कि शादी किसने खाना खाने के लिए की है? यहां पर आपने खाना खाने के लिए शादी की है? No, but seriously tell me that we see her on screen and आपने शादी कर ली, तो जो स्क्रीन पे दिखती है विद्या और जो घर में है, कितनी डिफरेंट है दोनों? सेम है? रियली सेम? अरे कोई माइक दो यार, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। वो बर्फी के बाद सिर्फ इशारों में ही बात करने लगे। बर्फी के बाद या शादी के बाद? आपको लड्डू भेजने के बाद। लड्डू भेजेंगे आप मुझे? इनके हाथ के बनाए हुए लड्डू, बेसन के लड्डू, मोती चूर, मोती चूर के लड्डू? हाय हाय, आप मोती चूर के लड्डू भी बनाते? ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसके जवाब में मैं क्या कहूँ? ये के मोती चूर के लड्डू ये खिला रहे हैं और आप हमारे दिल को चकना चूर किए जा रही हैं। आए हाय हाय हाय, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू विद्या। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ, बुला सकता हूँ? मुकदमा शुरू किया जाए। टू माय लेफ्ट लॉयर अरशद वारसी। थैंक यू जी, मैं आ गया। एंड टू माय राइट लॉयर बमन ईरानी। मैं लॉयर हूं या लायर है? ऑल जो कर सर। अच्छा, मुकदमा शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। बहुत पेचीदा केस है ये, क्योंकि सलमान भाई ने टीवी पे देखा है कि लोग टीवी पे बार बार बोल रहे थे होनी चाहिए होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए पता है आप लोगों को? शादी सलमान भाई की होनी चाहिए कि नहीं? नहीं ना, बकवास है। क्या शादी को जबरदस्ती है क्या? होनी चाहिए कि नहीं बोलो? ऐसा तो जबरदस्ती है शादी, बकवास चीज है यार। शादी करके किसने क्या उगाड़ लिया? कोर्ट की तोहिन हो रही है, दिस इज नॉनसेंस, प्लीज मेक योर केस। कोई तोहिन नहीं हो रही, मैं बता रहा हूँ। एक मैं किस्सा सुना था, मेरा एक दोस्त है, शादी की उसने, ठीक है, शुरुआत में ऑफिस से आता था, बीवी चप्पल लेके जाती थी ऐसे, और एक छोटा सा टॉमी टाइप का कुत्ता था, भोगता था, प्यार से जम मारता था, ये सब करता था। 10 साल हो गए शादी को, आज कुत्ता चप्पल लेके आता है, बीवी भोगती है वहां पे। ये होती है लाइफ शादी के बाद। फर्क क्या पड़ता है, सर्विस तो यही मिल रही है ना। सलमान भाई, शादी होनी चाहिए होनी चाहिए कि नहीं, बोलिए आप लोग। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम सलमान भाई, यस और नो? हाँ, इसलिए मैं इस कोर्ट में, इस मुकदमे में पेश करना चाहूंगा एक गवाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाह है, जो प्रूफ करेगा आप लोगों के लिए शादी अच्छी चीज है। तो मैं कोर्ट में बुलाना चाहूंगा मिस्टर कयोसे ईरानी को। केम छो शुगर, ये कोर्ट है, घर नहीं। इस तरह मेरा बेटा है, जस्ट बाय द वे इन केस यू डोंट नो, सलमान भाई ये मेरा गवाह है और प्रूव करेगा आपको कि शादी होनी चाहिए। ऑलराइट? आई डोंट थिंक सो। प्लीज गवाह को बोलने दीजिए। अच्छा कहा था, सलमान खुले सांड की तरह घूम रहा है, छोड़ दो यार।
गवाह को बोलने दे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, प्रूफ करने से मतलब ये थोड़ी होता है कि सच हो जाए। कयो सी रानी बोलिए। सी बॉम्सी बॉम्सी मिस्टर ईरानी, मिस्टर ईरानी राइट। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं राइट। आप शादीशुदा है राइट। मैं शादीशुदा नहीं हूँ राइट। तो फिर हम दोनों के बीच खुश कौन है? थैंक यू। फैसला सुनाइए प्लीज। बेसिकली शादी नहीं करना चाहिए। तो यू सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि शादी करनी चाहिए। तेरे को ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए? पक्का है ना? मेरे पास बहुत सारे मुहावरे हैं जो मैं अभी सुनाऊंगा नहीं। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस साइड पर जाऊं, है ना? यहाँ जाओ। पक्का? मैंने कोई जजमेंट नहीं सुना है, लेकिन इस वक्त अरशद बमन आपको अवार्ड दे के जाना है। बिल्कुल। और वो अवार्ड है बेस्ट परफॉर्मेंस इन